और अंबिकापुर में झमाझम बारिश के चलते हालात अस्त व्यस्त हो चुके हैं। जिले में कई जगह कर्ज कस्बे में बारिश के बाद मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान मिला है उसमें बताया जा रहा है कि बारिश होगी लगभग 48 घंटे। और मौसम विभाग ने ये येलो अलर्ट भी यहाँ पर जारी किया है। और आपको बता दें कि बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, क्योंकि बारिश का आलम यह है कि कभी तेज तो कभी धीमी लगातार हो रही है बारिश। और बढ़ते आगे, सरगुजा से बस्तर तक 3 दिन बारिश के आसार बने हुए हैं और मौसम विभाग ने बलरामपुर, रायगढ़, जशपुर, अंबिकापुर के इलाकों में बदलाव की जताई है संभावना। और अगले 24 घंटे में सरगुजा संभाग के 1-2 जगहों पर बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। और ऐसे में जो 24 घंटे हैं वो काफी महत्वपूर्ण बारिश के लिहाज से। और मध्य प्रदेश में भी एक बार फिर से झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होगी। दरअसल प्रदेश में तेज बारिश का दौर जहां शुरू होगा इसमें जबलपुर, चंबल, ग्वालियर संभाग की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। जो भी कटनी, नरसिंहपुर और सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला जैसे जगहों पर भी मध्यम बारिश से भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो जबलपुर, चंबल, ग्वालियर संभाग में झमाझम बारिश होगी और एक बार फिर से बारिश का दौर यहां पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि आज कई जिलों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और ऐसे में ये अगले 24 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन जिलों में जहां जबलपुर, चंबल, ग्वालियर संभाग और कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट क्षेत्र में झमाझम बारिश तो कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। और राजस्थान के शाहपुरा से एक बड़ी खबर आई, जहां शाहपुरा के जहाजपुर कस्बे में धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद यहां माहौल गर्मा गया। हिंदू संगठनों के जुलूस पर पथराव का आरोप वहां के माहौल को खराब कर रहा है। दरअसल शाहपुरा में एक मस्जिद के पास से जुलूस निकल रहा था और उस पर पथराव किए जाने का आरोप है। और पथराव के बाद मस्जिद के बाहर धरने पर विधायक समेत कई लोग बैठ गए। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई और मस्जिद में अवैध निर्माण का भी आरोप लगाया गया, जिसके बाद शाहपुरा नगर पालिका ने मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजकर जमीन का पट्टा और निर्माण के कागज मांगे। बवाल के बाद पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया। और धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी का यह पूरा मामला जिसमें कि माहौल गर्मा गया, हालांकि पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया है और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि ये पत्थरबाजी के आरोप के बाद माहौल यहाँ गर्मा गया था। जहाजपुर कस्बे में जल झुलनी एकादशी के मौके पर किले से जुलूस निकाला जा रहा था और इस दौरान एक जगह पर कुछ लोगों ने जुलूस पर अचानक पथराव कर दिया। नारेबाजी और पथराव के बाद माहौल गर्मा गया। जुलूस को बाजार में ही रोककर बाजार को बंद करवा दिया गया। और आरोपों पर नगर पालिका पूरी तरह से एक्शन में है और मस्जिद से अवैध इमारत को गिराए जाने के लिए 24 घंटे का नोटिस जामा मस्जिद कमेटी को भेजा गया और इस नोटिस में इमारत का पट्टा और स्वीकृति आदेश 24 घंटे में पेश करने के लिए भी कहा गया है। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। गरियाबंद में 5 बंधक श्रमिकों को